हनुमानगढ़ की गग्गर नदी के हरियाणा व राजस्थान क्षेत्र में पानी की आवक शुरू हो गई। अभी लीकेज का मामूली पानी नदी में आया। नदी क्षेत्र में पानी की आवक के साथ लोग बेचैन हो गए। 28,000 क्यूसेक पानी आने पर मुश्किल से बाढ़ के खतरे को टाला गया। इसके बाद अब तक बांधों को मजबूत करने के लिए कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। पानी की आवक के साथ लोगों में बेचैनी का माहौल है। इसी के मद्देनजर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, भाजपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने गग्गर नदी क्षेत्र का जायजा लिया। 5 सितंबर से जब विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तब ये नोटिस किया था कि राजस्थान का जो ग्रीन कवर है, जिसको हम फॉरेस्ट कवर कहते हैं, वो इस विशाल भूभाग का 10% से भी कम है। 9.6% अगर कहा जाए, और वो भी अधिकतर ईस्टर्न राजस्थान में है। हमारी तरफ ये ट्री कवर और भी कम है। उसकी वजह से जो आपने नोटिस किया होगा, हम सबने नोटिस किया कि गर्मी का प्रकोप बढ़ा और इस बार लगभग कहते हैं कि 10 शताब्दी की सबसे ज़्यादा गर्म सीज़न गया इस बार। जाहिर है उसका सभी जगह इम्पैक्ट जाएगा, पानी के ऊपर इम्पैक्ट जाएगा, पशु पक्षियों के ऊपर, हम लोगों के ऊपर। और उसको ठंडा करने के लिए हम एसी का प्रयोग करेंगे। एसी बाहर के पर्यावरण को और अधिक गर्म करेगा। बैक टू नेचर ही हमारे पास एक सोल्यूशन है जो हमें सोचना चाहिए। और वो संकल्प करने के बाद एक चीज़ शायद आप लोग जानते हो कि माता गंगा सिंह विश्वविद्यालय का अपना परिसर काफ़ी बड़ा है। उस करीब 1127 बीघा, तो बड़ा कैंपस होने के नाते ये प्रयोग हमने अपने यहाँ से प्रारंभ किया। और इस बार के दीक्षांत समारोह से हमने कैंपस में ही 20 एकड़ की भूमि को, जो हमारा जंगल का एरिया था, उसको बायोडाइवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित करने का संकल्प कर लिया। तो हमारे पास जो वाइल्ड लाइफ कैंपस में अभी भी है, उसको संरक्षित और संरक्षित करते हुए उसको एक जंगल का शेप देने की मुहिम चालू की। और उसी दिन हम